नदी गया जहाँ प्रसाद पिंडदान किया जाता है। ये फाल्गु नदी गया जी की जय है। फाल्गु नदी गया जी और राम जी पिंडदान करने आए थे, तो राम जी सामग्री लाने चले गए और सीता माता यहाँ पर बैठी थी। वो कहाँ? वो दर ये फाल्गु नदी यहाँ पर। और सीता माता जब बैठी थी तो दशरथ जी ने आकाशवाणी दिया कि सीता तुम पिंडदान करो, नहीं तो मुहूर्त चला जाए। तो सीता माता बोली कि मैं पिंडदान कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि सूर्यास्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्ति नहीं होगी। तो सीता माता ने रेते का पिंडदान कर दिया, समझे? तो जब रीता का पिंडदान दिया जैसे राम जी आए, तो उसे राम जी आए उधर से। अच्छा। बोले ये पिंडदान करो। बोला कि मैंने तो पिंडदान कर दिया। तो राम जी ने बोला कि कोई तुम्हारा साक्षी है, आई विज्ञान है तुम्हारा? हाँ। तो सीता माता ने बोली ये फाल्गु नदी है, हमारे 5 साक्षी हैं। तो बोला ये फाल्गु नदी जो थी रेता, ये फाल्गु नदी झूठ बोल दिया कि सीता ने पिंडदान नहीं किया। बोला झूठ बोली सीता ये फाल्गु ने। तो सीता माता इसे श्राप दिया कि तुम सूख जाओगी, तुम्हारे अंदर पानी नहीं रहेगा। तो इन्होंने चरणों पर गिर गया। अब झूठ क्यों बोली? झूठ इसलिए बोली कि जब सीता ने पिंडदान किया कि इसके जो पापी लोग राक्षस कहते थे इसमें, तो पाप से बहुत बड़ा वजन हुआ था। और ये फाल्गु जो है पाप से विचलित होने के लिए सोचा कि एक बार भगवान भी दान करेंगे पिंडदान तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जब फाल्गु सीता के चरणों पर गिरी माता जी, तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारा ये रेता जो है पवित्र रहेगा, यहाँ गया जी में लोग पिंडदान करेंगे, लेकिन तुम अंदर सलीला रहोगी, इसके अंदर पानी रहेगा। यह जो पानी देख रहे हैं इसका अपना पानी नहीं है, ये गंगा जी से पानी लाया गया है, नीतीश कुमार लाए डैम के द्वारा। उधर देखो सूखी नदी है, उधर देखो सूखी नदी है, पानी आ रहा है, हर घर जल योजना आने वाला है बिहार में। इसलिए तो सीता माता ने बोली कि तुम्हारा उद्धार होगा। तो बोला दूसरा कौन है? तो गौ को बोली, गौ भी झूठ बोल दिया, गौ को भी श्राप दे दिया कि तुम अपवित्र रहोगे। बोला कि तुम्हारा मुंह अपवित्र रहेगा। तो सीता वो भी चरणों पर गई, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो सीता माता ने बोली कि तुम्हारा पंचगव है, गोबर दूध घी मूत्र पंचगव है, हवन में लगे, तो हवन में लगेगा, पूजा पाठ में लगेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण है। और तुम्हारा मुंह अपवित्र, दुनिया में गाय जो है पीछे से प्रणाम करना चाहिए, उसका खाना पेशाब रास्ता पवित्र होता है, बिल्कुल तो किसी का नहीं। अब तीसरा तुलसी पत्र भी झूठ बोल दिया। अच्छा। तो उसे भी श्राप दिया, उसने भी पैरों पर गिर गई सीता माता का, कहा कि तुम अपवित्र होगी, कलयुग के गंदे जगहों में रहोगी। लेकिन जब पैर पर गिरा तो कहा कि तुम्हारा उतार जाएगा, तुम विष्णु के प्रिय हो, तुलसी पत्र जो है वो विष्णु की पत्नी है, विष्णु प्रिय है, विष्णु के चरण पर हम जाएंगे वहाँ तुम निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार होगा, और तुम कहीं जाओगे तुम्हारा मान मर्यादा रहेगा, तुलसी पत्र आप कहीं से लाओ तो उसका मान मर्यादा रहता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरा हुआ चौथा ब्राह्मण जी थे, उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि सीता माता ने हीरा सोना चांदी दिया, ये हीरे जो हाथ है सोना चांदी दिया तो भगवान राम भी हमें तो देंगे, लोभ हुआ उनको, उन्हें भी सीता श्राप दिया कि आप दरिद्र हो जाओगे। उन्होंने भी पैर पड़ा, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा कि यजमान अपनी इच्छा से जो देता है संतुष्टि से, तब आपका कल्याण होगा, आपके बाल बच्चे परिवार का, अन्यथा आप संतुष्ट कभी नहीं होगे। देखते हैं ना मांगने वाले, और सीता का श्राप है। 5वां जब था तो सीता माता को बोले राम जी ने, और कोई है आपका? तो सीता माता के कहने से पहले ही सीता साक्षी, जहाँ पर हम अंतिम पिंड देंगे आपको, बट ब्रिज उसको बोलते हैं माता जी, तो उन्होंने कहा कि सीता जी ने पिंडदान किया है, उसे बोला है। हाँ, तब उन्होंने कहा कि सबको तो उधार की बात आपने किया, अब हमारा उधार कैसे होगा? सीता माता बोली तुम हरा भरा रहो, बट ब्रिज जो है वो हमेशा हरा भरा रहता है, एक बार उसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, बारी बार जाओ हमेशा हरा रहता है। और कहा कि तुम अक्षय बट रहोगी, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो,
जो नाशवान, हाँ, जो नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तुम्हारा अक्षय नाम रहेगा, तुम्हारा अक्षय पट नाम रहेगा। तो सीता जब पिंड बांध दिया तो भगवान राम को विश्वास हो गया और ये श्राप आज भी साबित है। लेकिन ये नदी जो है बिहार सरकार के द्वारा गंगा से पानी लाया गया है पाइप के द्वारा, ये जल है। अब उनका श्राप को मिटाया गया, लेकिन श्राप को दृश्य होने के लिए देखिए सूखी हुई नदी है, पूरी नदी सूखी हुई है और आगे भी हम दिखाएंगे पूरी नदी सूखी हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, सीता माता की, सब इसको आप कर दो। अब ऐसा करें आप तीन गोले बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं आप चार गोले बना सकते हैं।